दोस्तों, खुशी से जीना हम सब चाहते हैं। हम सब हर समय सिर्फ मुस्कुराना चाहते हैं, पर जरा से दुख से हम इतने मचलने लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी ही बेकार है। इंसान ये सोचता है कि मुझे दुख इस शख्स ने, इस स्थिति ने दिया है। ये जो समय चल रहा है वही बेकार चल रहा है, इसी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। पर ऐसा नहीं है। हमारी उदासी हमारे ही अंदर से प्रकट होती है। हमारा मन ही परिस्थिति में खुश या उदास रहना हमें सिखाता है। एक ही परिस्थिति होती है और दो लोग उसी परिस्थिति को अलग अलग ढंग से जीते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है, वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे धूप से एलर्जी है। एक व्यक्ति कहता है मुझे बारिश बहुत पसंद है, वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि बारिश से तो बहुत कीचड़ हो जाती है, मेरा सारा काम रुक जाता है। तो क्या यह बाहर की परिस्थिति का नाम दुख है? नहीं, दुख तो हमारे अंदर छुपा है, हमारी सोच में, हमारे विचारों में। और जो चीज हमारे अंदर हमारी सोच में छुपी है उसे बाहर से कैसे ठीक किया जा सकता है? एक व्यक्ति था जिसकी 10 लाख की लॉटरी लगी। टीवी में अनाउंसमेंट हुई कि उसकी लॉटरी का नंबर टीवी पर दिखाई जा रही लॉटरी के नंबर से मैच हो गया। अब वो इतना ज्यादा खुश हुआ, उसने अपने सारे दोस्तों को शाम की पार्टी के लिए बुला लिया। खूब खर्चा किया, खूब इंजॉय किया, बहुत खुश था वो उस दिन। दूसरे दिन उसने दोबारा न्यूज देखा और जब न्यूज देखा तो न्यूज वालों ने सॉरी कहते हुए कहा कि कल जो हमने टिकट नंबर अनाउंस किया था वो रॉन्ग था। फिर वो न्यूज देखकर रोने लगा, वो फिर से दुखी हो गया। अब देखो, ना तो उसके पास पहले पैसे थे ना अभी पैसे आए हैं, पर ये दुख और सुख कहां से प्रकट हुआ? ये हमारे ही विचारों से प्रकट हुआ। जब तक हमारे विचार चल रहे हैं हम कभी इस सुख दुख के जंजाल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। या तो हम हमारी बुद्धि बिल्कुल सही विचारों में लगाएं, सकारात्मक रहें, वरना हम जिंदगी भर इसी सोच में डूबे रहेंगे कि हमारी जिंदगी तो बहुत बेकार है। हम हमेशा जिंदगी को, भगवान को, किस्मत को दोष देने में लगे रहते हैं। हम कभी ये समझते ही नहीं कि हमें ये दुख कोई और नहीं दे रहा, ये हमारी ही सोच है जो हमारे दुख का पलड़ा भारी कर देती है। अगर हम हमारी भीतरी स्थिति को बदलेंगे तो हमारी बाहरी स्थिति भी पूरी तरह बदलने लगेगी। एक व्यक्ति जो प्रसन्न रहना जानता है वही जिंदगी का राज जानता है। जैसे हंसना मुस्कुराना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता। प्रसन्न मन के अंदर भगवान वास करता है। जो इंसान हमेशा खुश रहता है, सकारात्मक रहता है, उसके साथ हमेशा ईश्वर चलता है। वो जो मुस्कुराना नहीं जानता उसके साथ राक्षस चलते हैं। यह बहुत आजमाई हुई बात है कि जब भी कोई पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान किसी रूम में एंट्री करता है तो चारों तरफ एक पावर सी फैल जाती है, और अगर कोई बिल्कुल ना मुस्कुराने वाला व्यक्ति एंट्री करता है तो हर तरफ सिर्फ मनहूसियत फैल जाती है। तो मुस्कुराइए। हम सारी जिंदगी सिर्फ सुख की तलाश में, खुशी ढूंढने में भटकते रहते हैं। कभी आपने सोचा है, हम चाहते प्यार हैं पर मिलती घृणा है। दौड़ हमारी सुख के पीछे होती है और हाथ में दुख आता है। ऐसा होता क्यों है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती है, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे। वास्तव में जो हम पाना चाहते हैं अगर वो हम देना शुरू कर दें तो प्रकृति उसे 1000 गुना करके हमें वापस देगी। असल में हमें दुख तब होता है जब हम वक्त पर ही अपना शिकंजा जमाने की सोचते हैं, हम उसके मालिक बनने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ सुख का समय आए, और सुख का समय आए तो वो कभी जाए नहीं। हम हमेशा उसे बांधने की, रोकने की सोचते हैं, परंतु ऐसा कभी होता नहीं। और इस बांधने के चक्कर में हम उस समय को जी ही नहीं पाते। अगर हम ऐसा मालिक बनना, किसी भी स्थिति को अपने ढंग से चलाना छोड़ दें तो हमारा आंतरिक मन खुद ही खुश रहना शुरू कर देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपके मन में एक सकारात्मक सोच बनी रहनी चाहिए। आप कभी भी किसी के अधीन होकर सुख की चाह मत करो। किसी को इतना हक मत दो कि उसकी बातें आपको खुशी दे या आपको दुख पहुंचाए। हमारे साथ होता यह है कि कोई हमारी जरा सी भी तारीफ कर दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई हमारी जरा सी भी निंदा कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों हम अपनी खुशियों की चाह भी दूसरों के हाथों में रखते हैं कि जब वो चाहे हमें खुश कर दे और जब वो चाहे दुखी।
आखिर कब हम अपनी इच्छा से खुद खुश रहना शुरू करेंगे। कहते हैं कि फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्माइलिंग इन ऑल दोस सिचुएशन इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ। हमारे मुस्कुराने से हमारी आसपास की सारी दुनिया खुश हो जाती है। हमारी सोच ही हमें दुनिया में सुख दुख का एहसास करवाती है। तो अपने विचारों में प्रसन्नता लाओ, तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत कभी सता नहीं पाएगी। तुम्हारे अंदर खुद ही एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहा करेगी। लोग 10 मिनट भी तुमसे मिलें तो वो अपनी जिंदगी के हर दुख दर्द भूल जाएं। अपने आप को ऐसा बनाओ, जहां भी जाओ अपनी सकारात्मक सोच की, अपने स्माइल की ऐसी खुशबू बिखेरो कि लोग आपके जाने के बाद भी आप में ही गुम रहे। यही होनी चाहिए जिंदगी, यही होनी चाहिए आपके किरदार की पहचान। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। इसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।